सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर कैसे आप फ़ोन नंबर को ऐड कर सकते हैं और कैसे कोई भी फ़ोन नंबर को वहां से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को ज़रूर जाके आपको देख लेना चाहिए। हालाँकि वीडियो छोटा ही होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करके, मतलब फेसबुक अकाउंट के अंदर फ़ोन नंबर को कैसे ऐड करेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी। आपका मान लीजिए एक फ़ोन नंबर ऐड है, वो नंबर आपका कहीं खो गया है या फिर ख़राब हो गया, वो नंबर को आप रखना नहीं चाहते, तो दूसरा नंबर को कैसे आप ऐड करेंगे। फ़ोन नंबर इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि आपको अगर पासवर्ड को पता नहीं होता, पासवर्ड अगर भूल जाता है तो फॉरगेट करने के दौरान, पासवर्ड अगर फॉरगेट करते हैं तो उस नंबर पर एक OTP आता है। अगर आपके पास वो फ़ोन नंबर नहीं है तो OTP भी कैसे आएगा, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ जाता है। आपके सजेस्ट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर कम से कम दो फ़ोन नंबर को ऐड करके रखें, ताकि एक फ़ोन नंबर अगर कहीं खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो आप दूसरे नंबर पे OTP को मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी रिकमेंड कर देता हूँ कि आप ईमेल आईडी भी ऐड कर दीजिए, ताकि आपका जो फेसबुक अकाउंट सेफ एंड सिक्योर रहे बहुत दिनों तक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सबसे पहले हम फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा कैसे फ़ोन नंबर को आप रिमूव करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये है फेसबुक का मेन इंटरफेस। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगा। इसका और भी प्रोसेस है तो मेरा ये सबसे आसान लगता है, तो यही सबसे आसान है। तो आपको यहाँ पर 3 जो लाइन है ऊपर, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आइकन आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सेटिंग आइकन के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। तो ब्लू टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लू लाइन जो लिखा हुआ था उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपका नाम यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन पर्सनल डिटेल्स। इस पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो नंबर है वहाँ पे आ गया है, मतलब अगर नंबर ऐड है तो वहाँ पे आ गया है, अगर नंबर ऐड नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में मैं क्लिक करके एक नंबर को मैं यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर न्यू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐड ए न्यू कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही ऐड करके रखें, ताकि अगर किसी ईमेल आईडी में प्रॉब्लम हो गया तो आपका फेसबुक के जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, और मोबाइल पर खराबी है तो अगर आपके यहाँ पर मेल आईडी पर आ जाएगा। तो दोनों ही ऐड करके रखें। तो मेरा दो फ़ोन नंबर, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहाँ पर मेरा दो फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी ऐड है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक नंबर को ऐड करके दिखा देता हूँ, ऐड मोबाइल नंबर, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको कंट्री चूज कर लेना है, जैसे कि इंडिया है मेरा, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। तो मैं अपना फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ, और फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते अपना नेम आ रहा है, इसमें आपको चेक करना है। जैसे कि मैं इस पर चेक किया, चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा, और उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। एंटर कन्फर्मेशन कोड वो आपको यहाँ पे डाल देना, जैसे कि मेरा यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड आ गया है, मैं इसको डाल दिया और ये ऑटोमेटिकली हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव एडेड योर नंबर टू द कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड, मतलब ये कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड हो गया है, मतलब फ़ोन नंबर ऐड हो गया। जैसे कि आप देख सकते बैक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दो फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इस फ़ोन नंबर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हमने देख लिया कैसे ऐड करना है, अभी रिमूव करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके ऑप्शन में आने के बाद आपको कौन से फ़ोन नंबर को रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा 2 आ रहा है तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ से ये सिलेक्ट करूँगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है डिलीट नंबर, सिंपल आपको डिलीट नंबर पर क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भूल गए तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड वो डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना नीचे, और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा है देयर वॉज ए इशूज डिटेक्टिंग द नंबर, तो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा ये बोल रहा है। तो यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेंगे,
और फिर से मैं यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, डिलीट नंबर, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, आपके फ़ोन नंबर आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से आप किसी भी नंबर को ऐड कर पाएंगे अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर, और कैसे बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन नंबर को रिमूव भी आप कर पाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स वॉचिंग।